हवाई जहाज की बात करने वाले लोग ऐसे लोग जिन्होंने पैदल कर दिया है, सारी की सारी नौकरियां खा गए, हवाई जहाज भी बेच दिए, हवाई अड्डे भी बेच दिए, रेलवे भी बेच दी, रेलवे की ज़मीन भी बेच दी और आपकी नौकरियां भी गईं। क्या आपको लगता है कि आपको नौकरी मिलेगी? महिला सुरक्षा पर क्या क्या दावे करते हैं लोग, मुझे अच्छी तरह याद है जब 2017 के चुनाव थे, उस समय जब 5 साल की सरकार समाजवादी की बन गई थी तो महिलाओं के साथ उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश में कम हुए थे, NCERB के आंकड़े हैं ये। लेकिन आज उन्हीं आंकड़ों को उठाकर देख लीजिएगा, 2023 में न जाने ये आंकड़े कितने बढ़ गए हैं। तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बन गया है महिलाओं के साथ अत्याचार उत्पीड़न में। और आप लोगों से कहता हूँ कि अगले 5 साल जब समाजवादी पार्टी की सरकार, गठबंधन की सरकार आएगी, तो महिलाओं के उत्पीड़न और महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा है वो हम कम करवा के ही दम लेंगे। हाथरस की बेटी के साथ क्या हुआ ये परिवार वाले लोग ही समझ सकते हैं। उस बेटी को अंतिम संस्कार करने का भी मौका नहीं मिला। जो बिना परिवार के लोग हैं वो पराई बेटियों का दर्द क्या समझेंगे, जो बेरोजगार युवा हैं उनका दर्द क्या समझेंगे, जो हमारी माताएं बहनें हैं जिन्हें रोज़ सूझना पड़ता है महंगाई से किस हिसाब से चलती होंगी, ये लोग बिना परिवार वाले लोग दर्द कभी नहीं समझ सकते। किसान की क्या हालत है, काले कानून लाए गए, 700 किसानों ने अपनी जान खोई, लेकिन ये सरकार ऐसी सरकार है जिन्हें इस बात का कोई दुख नहीं हुआ। और कैसे हमारे किसान भाई को रोन दिया गया गाड़ी के तहत, बुलडोजर की बात करने वालों के शासन काल में क्या हुआ। तो दोस्तों ऐसी वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।